लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 28 मार्च को बिहार में नामांकन का अंतिम दिन है। पहले चरण के लिए बीजेपी के प्रत्याशी औरंगाबाद और नवादा में नामांकन कर रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को गया और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की जो पार्टी है जमुई से नामांकन कराना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दोनों बड़े दलों के बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की सभी सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो चुकी है, लेकिन घोषित प्रत्याशियों से ज्यादा तीन नामों पर चर्चा चल रही है। पहला सुशील कुमार मोदी, दूसरा अश्विनी कुमार चौबे और तीसरा शहनवाज हुसैन। क्योंकि बीजेपी ने इन तीनों बड़े नेताओं को फिलहाल निपटा दिया है, ये कह देना चाहिए। ऐसे में अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि बिहार की राजनीति के दिग्गज सुशील कुमार मोदी हों, जिनके बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में उनको भेज देना, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हों, सक्रिय राजनीति से उन्हें संन्यास दे देना, पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन हों, उनको किनारे कर देना, ये सारा कुछ ये बताता है कि अब वाकई में पार्टी दूसरे लिहाज से सोच रही है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी ने कैसे इन तीनों नेताओं को बेटिकट कर दिया, या यूं कहें कि पार्टी से ही किनारे लगा दिया। सबसे पहले बात सुशील कुमार मोदी की। बीजेपी में करीब दो दशक तक बिहार में सुशील कुमार मोदी का जलवा रहा है, दबदबा रहा है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहते हुए विपक्षी नेता के रूप में और फिर नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में वो दिखाई पड़े। फिर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी विधायकों के हिसाब से दूसरे नंबर पर आई, तो उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चाहत और जिद के बावजूद सुशील कुमार मोदी किनारे कर दिए गए। उन्हें डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया गया। इंतजार के बाद उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। अब वो राज्यसभा के भी पूर्व सांसद हैं। जब राज्यसभा के लिए नाम नहीं आया तो माना यह जा रहा था कि भागलपुर या पटना से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी उन्हें बनाया जाएगा। भागलपुर के वो सांसद रह चुके हैं, लेकिन राज्यसभा विधान परिषद की घोषणा के बावजूद, लोकसभा सीटों के ऐलान के बावजूद सुशील मोदी का कहीं नाम नहीं है। ऐसे में हर तरफ यही सवाल उठ रहा है कि 28 जनवरी को बिहार में एनडीए सरकार की वापसी के लिए पहले भी सुशील मोदी की जो सक्रियता थी उसकी बात हो रही थी, लेकिन फिलहाल अभी इस पर पूरी तरह से विराम लगता दिख रहा है। उन्हें कुछ सोच समझ कर ही बीजेपी ने दरकिनार किया होगा, ये चर्चा हो रही है। बीजेपी नेता खुलकर इस पर कोई बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं और पॉलिटिकल पंडित हैं वो ये कहते हैं कि वैश्य समाज से राज्यसभा में महिला नेत्री को भेजने से जाति को मैनेज किया गया है, लेकिन सुशील मोदी को दरकिनार करने का संदेश गलत गया। राजनीति में हर संदेश का फायदा नुकसान होता है। चुनाव भी सामने है, लेकिन देखना यह होगा कि सुशील मोदी खुद क्या रुख अपनाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सुशील मोदी बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरा नाम जो कि एक्टिव सियासत में थे लेकिन उन्हें दरकिनार किया गया, अश्विनी चौबे। केंद्रीय मंत्री से अब तक की उनकी यात्रा जो रही है, फिलहाल उन्हें विश्राम दिया गया है। भागलपुर क्षेत्र से लंबे समय तक राज्य की राजनीति करते हुए बक्सर से देश की राजनीति तक पहुंचने वाले अश्विनी कुमार चौबे केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अभी भी हैं, और 2024 के जून महीने में चाहे सरकार कोई बनाए वो मंत्री नहीं होंगे, ये तय है। बीजेपी ने उन्हें बक्सर से टिकट ही नहीं दिया है। बक्सर में टिकट के 5-6 दावेदार थे, लेकिन चौंकाते हुए चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को अगला टिकट मिला है। अश्विनी चौबे भागलपुर से ही प्रयासरत बताए जा रहे थे, दोनों में से कहीं नाम हो जाए तो, लेकिन कहा यह गया कि उन्हें कुछ और मिलने का भरोसा दिलाया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास दे दिया गया है, बीजेपी जाने। और एक बहुत महत्वपूर्ण नाम सैयद शहनवाज हुसैन का, केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद, काफी समय तक संगठन में लगे रहने के बावजूद, 2020 में बिहार का उद्योग मंत्री बनाए जाने के बावजूद फिलहाल शहनवाज हुसैन किनारे हैं। विधान परिषद के रास्ते उन्हें मुख्य धारा में लाया गया, काम की चर्चा खूब चल रही थी, लेकिन अचानक बिहार की नीतीश कुमार सरकार में, महागठबंधन सरकार में जब ये सरकार आई, तभी से बाकी भाजपाई मंत्रियों की तरह वो भी पूर्व हो गए। इस साल 28 जनवरी को फिर एनडीए सरकार की वापसी हुई तो उम्मीद जागी कि माना यह जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में शहनवाज हुसैन को मौका दिया जाएगा। राज्यसभा के लिए नाम नहीं आया, विधान परिषद के लिए उनकी सदस्यता खत्म हो जाने दी गई, तो यह हुआ कि लोकसभा के लिए संभावना बढ़ गई है, लेकिन फिलहाल ऐसा लोकसभा की सूची में भी नहीं हुआ। भागलपुर और किशनगंज के लिए प्रयासरत थे वो, ऐसा बताया गया। बीजेपी ने दोनों सीटों पर जेडीयू के खाते में जाने की चर्चा भी की थी। सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू जो है उस वाले फॉर्मूले के तहत हुसैन को मौका मिल जाएगा, यह भी चर्चा हो रही थी, लेकिन अब फिलहाल इन सारी चर्चाओं पर विराम लग गया है और अब ये दरवाजे बंद हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के अंदर ही नहीं बाहर भी इस बात की चर्चा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन के साथ साजिश हो गई है। सवाल यह भी है कि कहीं मुख्तार अब्बास नकवी की तरह वो भी किनारे तो नहीं लगा दिए गए। बीजेपी के अंदर और बाहर चल रही इन चर्चाओं को लेकर अमर उजाला ने पार्टी के इन कई दिग्गजों से बातचीत की।
जिस पर उनकी प्रतिक्रिया इस विषय पर जानने की कोशिश की गई। सुशील कुमार मोदी के किसी भी नंबर पर बात नहीं हो सकी, मोबाइल बजता रहा लेकिन रिसीव नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे संपर्क से दूर रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कॉल नहीं लिया, लेकिन सभी 40 सीटों को अपना बताते हुए ये कहा कि राजनीति में जन्म के समय से जो भाजपाई है उनकी आस्था में कोई बदलाव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पार्टी का सिपाही हूं, ये पार्टी का धर्म जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं करती। मुझे ये पता है कुछ सोच कर ही किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाता है और किसी को नहीं। मैं फिलहाल दिल्ली में हूं, बिहार की 40 सीटों के लिए आने वाला हूं, प्रचार प्रसार करेंगे। ये वो तीन नाम जो कि बिहार की सियासत में हमेशा से एक्टिव रहे हैं, लेकिन फिलहाल शांत विराम लगे हुए इनकी पॉलिटिक्स को दिखाया जा रहा है। अब आने वाले वक्त में बीजेपी ने अगर इनके लिए कुछ सोच रखा है तो ठीक, अन्यथा ये तीनों दिग्गज बिहार की सियासत में जो हमेशा से एक्टिव रहे हैं, फिलहाल वो एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर नजर आते हैं। अब बीजेपी इनके लिए अगर कुछ सोचती है तो वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये तो तय है कि लोकसभा चुनाव में इन्हें टिकट नहीं मिला है और अब सरकार किसी की भी बने, ये एक्टिव मेंबर की तरह, मंत्री की तरह अब नहीं दिखाई पड़ेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।